तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप जिस किसी कंपनी में वर्किंग हो वहाँ पे और आपने वहाँ से कंपनी स्विच करी, किसी ए कंपनी से आप बी कंपनी में गए और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइम पे आपके मैनेजर ने भी वहाँ पे रिजाइन डाल दिया, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता कैसे है या कैसे होगा या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो दोस्तों, होता क्या है, बेसिकली जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ते हो और उसके जस्ट बाद ही आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके मैनेजर ने वहाँ से छोड़ दिया, आपके एचआर ने वहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय का या हर एक बंदे का ऑर्गेनाइजेशन में एक बैकअप होता है। बैकअप इन द सेंस कि जैसे कि फॉर सपोज मैं अगर किसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ और मेरे नीचे कोई बंदा है, उसने रिजाइन डाला और रिजाइन डालने के बाद वो उसने दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उसका इनिशिएट हो गया, और उसके बाद सेम टाइम पे मैंने भी अगर उस कंपनी में रिजाइन डाल दिया और वहाँ से मैंने भी स्विच कर दी, तो उस केस में होता क्या कि जो मेरे मैनेजर होंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैंडल करते हैं जो कि एक बैकअप के रूप में वहाँ पे उस टाइम पे वो काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने रिजाइन कर दिया तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रुक जाएगा, और सेम वही प्रोसेस एचआर में होता है। अगर कोई मैनेजर है और उसका मैनेजर है तो क्या होता है कि अगर मैनेजर ने उस टाइम पे छोड़ा तो जो उसका मैनेजर है वो उसके लिए एज अ बैकअप काम करेगा। तो हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के अंडर एक बैकअप होता है। वो चाहे आप ग्राउंड लेवल से जाओ हायर लेवल तक, या हायर लेवल से ग्राउंड लेवल तक आओ, या डेस्कटॉप सपोर्ट L1 हो, L2 हो, L3 हो, नेटवर्किंग हो, क्लाउड सर्वर, किसी भी आप प्रोफाइल पे आप अगर काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे एक एक बंदा कोई ना कोई आपके बैकअप के रूप में काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने छोड़ दिया तो वहाँ पे आपको आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपकी करंट कंपनी से जो स्विच करी है वहाँ पे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी और आप वहाँ से फायर कर दिए जाओगे या टर्मिनेट कर दिए जाओगे। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है। तो बिना डाउट के आप जॉब सर्च कर सकते हो, अगर आपके मैनेजर ने एचआर ने वहाँ पे जॉब अगर छोड़ भी दी है सेम टाइम पे, तब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।